समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में किया गया लोगों को जन जागरूक। बांदा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई जन जागरूक रैली। इस रैली के अभियान का पूर्ण मकसद वर्तमान सत्ता पक्ष बीजेपी सरकार की उपलब्धियां व नाकामियों को आम आदमी तक पहुंचाने का मकसद रखा गया। जहां 3 वर्ष बीतने के बाद भी आज वर्तमान सरकार के द्वारा किसी भी सकारात्मक कर महंगाई व बेरोजगारी साथ में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 5-5 लोगों की टीम बनाकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। वे 5 लोगों की टीम मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव जाकर के पिछले 5 साल की उपलब्धियां जनता तक बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने विगत 4 साल होने को जा रहे हैं सरकार के 3.5 साल हो गए और 3.5 साल की सरकार में जनता के लिए कोई काम नहीं किया। बेरोजगार मजदूर किसान बेरोजगार हो गया है, किसान की हालत डीजल की बढ़ती कीमतों ने बेहाल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के दरवाजे जा रहे हैं और 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर के सजग करने का काम कर रहे हैं। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम लोग कचहरी में यहाँ पे जो मुक्किल आते हैं सम्मानित अधिवक्ता गण उनसे सब लोगों से हम लोग 5-5 लोगों की टीम बना करके मिल रहे थे और सब लोगों को आह्वान पत्रिका ये दी।